तो बन रही है यहाँ पे स्मूदी। घर आ चुका हूँ तो घर आके स्मूदी पीऊँगा, और स्मूदी में वो भी मैं 1 वीक के बाद में पी रहा हूँ क्योंकि खांसी काफ़ी ज़्यादा ही थी। अभी डालेंगे ये पीनट बटर, मिल्क और बनाना डाल दिया है, अभी पीनट बटर डालूँगा। और ये मैंने डाल दिया है वे प्रोटीन और ओट्स, इसके बाद नट्स भी अंदर डाल दिए, तो अभी सिर्फ इसको करने की तैयारी है। ब्लेंड इतना यमी लगता है ना, मतलब बात ही मत पूछो। ब्लेंड हो के तैयार हमारी स्मूदी, अभी जाएगी ये ग्लास में। और 2 ही मिनट में हम इसको गटक लेंगे। ये हमारे घर का हीरो है। रील रील बनाया है। हाँ, पहचान लिया तेरे को उन लोगों ने। नाम नहीं पता था, नाम फिर से बता। हितार्थ काला, नहीं हितार्थ लाला, जय कुमार लाला, विद्धि लाला। तेरा नाम बता, तेरी फैमिली का नहीं। मेरे दादू का नाम है राजकुमार, राजकुमार लाला, और मेरी दादी का नाम है शकुंतला लाला। अच्छा, और मेरा नाम है हितार लाला जुके अरिशाला। वाह, ये लड़का है हितार्थ काला। ये बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर है हमारे घर का। उसने मैं था छोटा बच्चा। अच्छा, बरोबर। पर वो तो बहुत मोटा था, तू तो बहुत छोटा है। तो फिर और ये देखो ऐसे बैठ गई है, अभी इसके साथ खेलेगी। मालिक है। भूल लिया तू? ये बहुत हेवी डांसर है, खाली एक्टिंग आती है इसको, डांस नहीं आती है। सिंघम की एक्टिंग करके देखा था, और आता फुल 80-80 में है। शूज, बेल्ट, शर्ट, वॉच, अभी बंदूक लेके नहीं आता है। पहले बंदूक भी लेके आता था, बंदूक लेके क्यों नहीं आता है? अच्छा, मेरे चला भाई। अभी ये गाएगा गाना, कौन सा गाएगा? देखो आप अभी जब मैं बोला था ना, वही बच्चा सुनो, बिजली बिजली चांदकुड़ी बदल में संतरे, बिजली बिजली गन, बिजली बिजली गन, बिजली बिजली गन। फिर ये भूल गया, कैमरा चालू होते ही भूल गया। पहले तो एक्शन करके अच्छा गा रहा था, फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। सिंड्रेला तो अभी है टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव किसका है? मैं एक जो बताया था कि ई व्हीकल लेने वाला हूँ, तो उसका टेस्ट ड्राइव आ गया है। तो ये गाड़ी दिखा रहा हूँ, बाउंस इन्फिनिटी की ये गाड़ी है। वैसे इसकी एक प्लस पॉइंट मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो मतलब ऐसे रिमूवेबल है, रिमूव करके भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं घर में, तो वो एक चीज़ है। तो पूरा टेस्ट ड्राइव करते हैं, चलेगा ना? हाँ ठीक है, खाली वो मुझे एक दो मिनट ना।
नॉर्मल डिजिटल डिस्प्ले है इसमें, यहाँ स्पीड इंडिकेट करेगा यहाँ पे मोड में कौन से मोटर पे ड्राइव कर रहे हैं वो यहाँ पे ओडोमीटर है, और रेंज आपको इंडिकेट करेगा कि कितना किलोमीटर व्हीकल और चल सकते हैं। बराबर। ये जो साइड में एरोज देख रहे हो बैटरी का हेल्थ है, मतलब फुल चार्ज करके रखेंगे तो यहाँ हद तक आ जाएगा, जैसे जो यूज करेंगे डाउन होता है जैसे मोबाइल का बैटरी रहता है वैसे। बराबर। यहाँ पर एक रिवर्स और ड्रैग मोड दिया हुआ है, व्हीकल जो है रिवर्स हो सकता है और ड्रैग मतलब इनके पंचर होता है व्हीकल, तो आपको इसको ज्यादा पूछना करना पड़े उसके लिए ड्रैग मोड दिया हुआ है, तो व्हीकल आपके साथ साथ में चलेगा। बराबर। मोड्स यहाँ से चेंज होते हैं, ये लेफ्ट साइड में करूंगा तो यहाँ पावर मोड आएगा, पावर मोड में मैक्सिमम स्पीड आपका 65 किलोमीटर पर आवर रहेगा और रेंज आपको 60-65 मिलेगा। बीच में जो है मिडल में वो इको मोड रहेगा, इको मोड में मैक्सिमम स्पीड रहेगा 39-40 किलोमीटर और उसमें रेंज आपको 80 किलोमीटर का मिलेगा। बाकी ड्रैग मोड मैंने आपको समझा दिया, येलो बटन जो है यहाँ से पासिंग का नहीं रिवर्स एक्टिवेट होता है, और उसके साथ साथ में क्रूज कंट्रोल है। अच्छा। मतलब आप हाईवे पे जा रहे हैं और एक स्पीड लिमिट सेट करके चल रहे हैं तो क्रूज कंट्रोल भी एक्टिवेट हो जाएगा। बरोबर। ठीक है। ये जो रियर ब्रेक है इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, मतलब कि आगे पीछे दोनों में लगेगा, तो आपको फ्रंट वाला यूज करने की जरूरत नहीं है। बरोबर। ये दोनों डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक के ब्रेक ऑयल है, आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। आपको डिकी मैच दिखा देता हूं, तो इसमें ये सिंगल बैटरी आपको मिलेगा। ठीक है। ये बैटरी जो है एक्स्ट्रा मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरा रन ज्यादा रहता है। बराबर। तो ये आपको बूट स्पेस मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो मतलब ऐसे मिलेगा एक बैटरी अपने को, अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो ले सकते हैं। हाँ ले सकते हो आप। कितने की आती है एक्स्ट्रा? ये 38,000 का कॉस्ट है इसका। अच्छा। ठीक है। तो ये सिंगल बैटरी मिलेगा, बैटरी जो है रिमूवेबल है, जैसे ये ब्लू वाला जो है ना इसको ट्विस्ट करके ये मैंने निकाल दिया प्लग, ये निकल गया। ठीक है। तो इसको आप इजिली कैरी कर सकते हैं और घर पे कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। इसका जो चार्जिंग केबल रहेगा ना वो 5 एम्पियर का जो नॉर्मल अपना प्लग रहता है तो उसमें कंपेटेबल है, तो उसमें चार्ज कर सकते हैं। बराबर। ये 4 घंटे में चार्ज होता है, फुली चार्ज 4 घंटे में फुली चार्ज। हाँ। और मतलब अप्रोक्स मतलब कितना जाता होगा चार्जिंग? 2.3 यूनिट आपका कंज्यूम करता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 2.3 मतलब जैसे टॉरेंट, अगर आपके यहाँ टॉरेंट है ना तो टॉरेंट के हिसाब से लगभग 20-22 रुपया होता है फुल चार्ज होने। अच्छा, 20-22 रुपया फुल चार्ज, मतलब 65 किलोमीटर्स मतलब 22-25 रुपए में मैक्स। ठीक है। यहाँ पे एक USB पोर्ट दिया हुआ है, इमरजेंसी में मोबाइल चार्ज करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है। रियर व्हील जो है उसमें आपका मोटर दिया हुआ है। अच्छा। ये हब मोटर है, मतलब कि व्हील के अंदर रहेगा और बॉश कंपनी का स्टैंडर्ड मोटर यूज करती है कंपनी। अच्छा। मोबाइल पकड़ना, मैं चला के देखूं। हाँ, मैं आपको खाली गाइड कर देता हूँ चालू कैसे करना है। हाँ। रिकॉल को स्टार्ट करने के लिए ब्रेक करके यहाँ नीचे पावर बटन है। अच्छा। एक बार टच करके इसको छोड़ देना है तो ये चालू हो जाएगा, मतलब व्हीकल चालू है अभी। अच्छा, व्हीकल चालू। हाँ ठीक है। जैसा आप एक्सेलरेट करेंगे तो मूव करेगा। आपको क्या करना है, ब्रेक छोड़ के एक्सेलरेट करना है। अगर ब्रेक करके एक्सेलरेट करेंगे ना तो मूव नहीं करेगा, मोटर कट ऑफ हो जाता है। बरोबर। तो कहीं भी आप रुके तो ब्रेक छोड़ के फिर एक्सेलरेट करिए। बरोबर, समझ गए। क्लच के जैसे। हाँ, क्लच के जैसे। क्लच छोड़ दीजिए, मतलब ब्रेक छोड़ दीजिए और एक्सेलरेट करिए। ब्रेक करके वापस पावर बटन करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। बरोबर। तो ये आप टेस्ट राइड ले सकते हैं। बरोबर। मैं एक आपकी फोटो ले लेता हूँ। इसका साइड स्टेन का कैसे? हाँ, ये पीछे की साइड करिए आप, वो ऊपर हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। हाँ। ये 1,04,000 इसका प्राइस है। 1,04,000 आपने लिया क्या? आप कंपनी? मैं कंपनी की ओर से। अच्छा जी। 80 किलोमीटर वन टाइम चार्ज। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। नए दिन की शुरुआत से आज सुबह बहुत ही मतलब समझो इतना काम तो नहीं बिगड़ा, लेकिन बिगड़ सकता था। चीज़ क्या हो गई थी कि एक्चुअली
मैं वैसे उठता हूँ आज के दिन पे 5:15 बजे उठता हूँ तो, और फ्राइडे और ट्यूसडे होता है, मतलब मंडे और थर्सडे मैं 5:15 बजे उठता हूँ और ट्यूसडे और फ्राइडे मैं 6 बजे उठता हूँ। तो आज एक्चुअली ऐसा हुआ कि 5:15 बजे से अलार्म बजना चालू हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि आज तो क्यों ही 5:15 बजे बज रहा है, मेरे को तो वैसे 6 बजे उठना है, फ्राइडे है आज तो। फिर जैसे मैं स्नूज करता गया अलार्म पे, मैं बोला अलार्म क्या पागल वागल हो गया कि गलत टाइम पे बज रहा है या क्या। तो मतलब समझो ना कि करता गया स्नूज स्नूज, आखिर में 5:50 को मैं उठा। तो 5:50 को मतलब वैसे मैं 5:50 को तो घर से निकल जाता हूँ, तो इतने हाश हाश में मतलब समझो कि रेडी हुआ घर से निकला, वैसे लेट तो मैं सिर्फ 5 मिनट ही हुआ, यहाँ पे 6:30 का बैच होता है, 5 मिनट लेट हुआ, लेकिन उस 5 मिनट में भी मतलब समझो ना कि मेरा ऐसा होता है कि कभी भी कोई जगह पे जाना हो, मेरा बैच हो या काम की जगह हो तो ऑन डॉट टाइम पहुंचूं, तो इस हिसाब से। लेकिन ठीक है, कारण होते होते बच गया, नहीं तो बहुत ही बड़ा मतलब लेट जाना मेरे को नहीं पसंद है और नुकसान हो जाता, अगर लेट पहुंचता तो पैसे नहीं मिलते, पैसे कट हो जाते बैच के। तो ठीक है, तो ये भी एक सीख है कि अलार्म कभी भी गलत नहीं। हाँ ठीक है, एक आधा बार तो हो ही जाता है क्योंकि ये मतलब कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो बाकी की अब बैच में तो है नहीं कोई, देखते अगर होगा तो करेंगे, नहीं तो जैसी आराम। और ये आ चुका है हमारा पार्सल, इसके अंदर क्या है, ये दोनों पार्सल के अंदर वो मैं अभी जस्ट आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। इसमें है माइक है, जो मैंने वायरलेस वाला माइक मंगाया है, दिखाता हूँ रुको। पैकेजिंग अच्छी आती है तो इसमें खोलने में थोड़ा दिक्कत तो होता है, सेलो टेप्स वगैरह ये वगैरह तो उसमें थोड़ा रहता है। वैसे मेरे माइक एक मंगाया था वायर वाला, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था, तो मैं सोचा अभी ये वायरलेस वाला मंगाऊँ तो देखाऊँ। मोस्टली अभी आपको रील्स जो दिखेगी या कहीं पे रोड पे आपको माइक वाइक का मतलब ऐसे जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगेगी तो आपको इस माइक की आवाज़ सुनाई देगी। ये माइक मंगाया है तो ये माइक से दिखेगा आपको, मतलब अच्छे से आपको क्लियर वॉइस आएगा। एक बार बताना भी मेरे को। और ये पार्सल वो है जो हम लेके जाने वाले हैं दिवाली ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उसके लिए एक सेंडो मंगाइए, वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग तक तो कनेक्ट रहना ही, आप वैसे भी आप लोग रहते ही हो, वो भी मुझे बहुत अच्छा। और एक ये नया पार्सल है, इसमें है वही ट्रिप के लिए मतलब चीज़ है, इस ये शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स मैंने मंगाए थे, ये अभी तकलीफ तो होनी है, रुको मैं एक हाथ से खोल रहा हूँ, एक हाथ से कैमरा है और एक हाथ से खोल रहा हूँ। देखो जुगाड़ करना पड़ता है अनबॉक्सिंग के लिए, और ये अनबॉक्सिंग भी ना ऐसे करूँ वीडियो निकालते हुए, तो अगर अंदर से कुछ स्कैम हो तो वो भी तकलीफ होती है, वो लोग मानते नहीं हैं, तो इस हिसाब से ये भी करना पड़ता है। क्या करें, स्ट्रगल तो हर जगह पे है, स्ट्रगल इज़ रियल, वो चीज़ तो सुनी होगी आपने। ये रुको मैं खोल के आपको दिखाऊं कि कैसा है, थोड़ा लाइट नहीं है लेकिन वो तकलीफ़ हो रही होगी आपको, लेकिन ठीक है। ये मटेरियल अच्छा है, थोड़ा अच्छा दिखा था, एकदम लाइक्रा ड्राई फिट मस्त। तो हम कहता हूँ यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर देना, बिल्कुल मत देना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर न्यू व्यूअर हो, तो पुराने व्यूअर हो तो दूसरों के साथ शेयर करना हमारी चैनल और फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहना, और मिलते हैं ऐसे नए बढ़िया से ब्लॉग में, और आशा करते हैं आगे बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरटेनिंग और धमाल वाले ब्लॉग आने वाले हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में।